स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ाना आपकी मैथ्स की वीडियो आ रही हैं और फिजिक्स की वीडियो आ रही हैं, तो इसी दौरान मैंने खुद ने फील किया और मैंने कमेंट्स पढ़े एयरफोर्स के बच्चों के, नेवी वाले बच्चों के, बच्चे तो नहीं कहूँ मेरे भाइयों के, जितने भी दोस्त हैं सभी के मैंने कमेंट्स पढ़े, सभी को मैंने मतलब कि देखा। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के मतलब ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं, एनडीए के स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, जिन किसी ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर दें, ठीक है। तो मैंने फील किया कि आजकल जो डिफेंस के लिए जो नेगेटिविटी इस मतलब माहौल में आ रही है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है। मीन्स मैं ये नहीं कहूँगा कि जो सरकार कर रही है, चाहे वो कमीशन कर रहा है, चाहे वो एयरफोर्स कर रहा है, चाहे नहीं नेवी कर रहा है, वो सही है, वो भी गलत है। बट कोशिश आप ऐसे करो कि माहौल ऐसा क्रिएट ना करो कि जो पढ़ने वाले बच्चे जो सच्ची में तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स की, नेवी की, जो आपके छोटे बहन भाई हैं, जो आपसे जूनियर हैं, जो अभी इस माहौल के अंदर ढलना चाहते हैं कि उन्हें एयरफोर्स की तैयारी करनी है, उनको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। मैं तब पढ़ता था, आज से 2 साल पहले, मतलब पढ़ता तो मैं अभी हूँ, सभी पढ़ते हैं, पढ़ाई ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब मैं एयरफोर्स की स्ट्रिक्टली तैयारी करता था, आज से 1 साल पहले तैयारी करता था, आज से 2 साल पहले तैयारी करता था, बट मैं एक्चुअली वो चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैं 2 साल पहले पढ़ाई करता था एयरफोर्स की, उस टाइम इतना अच्छा माहौल था डिफेंस के लिए, इतना अच्छा एटमोसफियर था कि हर बच्चा चाहता था कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ, नेवी में जाऊँ, अच्छी तैयारी करके जाऊँ। बट जो माहौल था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूब पे जो टीचर हैं, जो मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मेरे को भी तैयारी करवाई है, जो अच्छे अच्छे टीचर हैं मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को मोटिवेट करो, क्योंकि ये टाइम है, वो प्लस टू पास करके बाहर आए हैं, उन्हें वैसे ही मतलब सोसाइटी की बहुत सी चीज़ें जो उन्हें लुभा लेती है कि दोस्त यारी में यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, कहीं बाहर आ गए घर से, दिल्ली वगैरह आ गए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर ना उनकी केयर करते ना कुछ और करते। तो आप कोशिश करो, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन लो। मैं टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरे भाई हैं मेरे जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मोटिवेशन लो किसी से, ना कि आप डिप्रेशन में जाओ। नेवी का अगर आपका फॉर्म नहीं लग रहा, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम आ गए, उनमें फॉर्म भरो, उनमें डालो, उनमें जो क्राइटेरिया है वो 50% का है। मेहनत करो, मेहनत करने वाले का किसी ना किसी जगह ज़रूर होगा। एयरफोर्स रिजल्ट भी नहीं आया, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी काम डाउन हो जाओ थोड़ा, क्योंकि आपने है ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप दे दी है। मैं मान रहा हूँ कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो उस चीज़ से आपको दुख हो रहा होगा, तो आपको भी परेशानी हो रही होगी, आपको मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, लेकिन आप ऐसा मत करो कि जो आने वाली अगली जो पीढ़ी है, अगला जो जनरेशन है, जो आपके लिए इस चीज़ के लिए सपने देखता है, उनको आप बिल्कुल डिमोटिवेट कर दोगे, इनका तो रिजल्ट ही नहीं आता, तो तैयारी किस चीज़ की करेंगे। बहुत से युवा हैं, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे टीचरों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को मोटिवेट करो, और सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप रिजल्ट दो टाइम से टाइम, कि बच्चे पढ़ सकें, बच्चे अपनी पढ़ाई में लगन लगा सके, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो एज होती है 18 से मतलब 16-17 साल, 18-19-20-19 साल तक, 19.5 साल तक, ये बच्चे का समझने की एज होती है कि उनको क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना। उसी एज में उनको नौकरी के लिए अगर देखना है, तो जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनकी बजाय जो अच्छे स्टूडेंट जो करना भी चाहते हैं वो भटक जाते हैं इस राह से, क्योंकि ये चीज़ें फिलहाल जो एटमोसफेयर है वो मतलब बहुत अजीब सा हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले, सच्ची में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें ये उनको ये लगता है कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, परसेंटेज बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। और बहुत अच्छे अच्छे जो मैंने देखे मेरे भाई, छोटे भाई हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट कराऊंगा, भाई मेहनत करते रहो, मेहनत में विश्वास रखो, कि बहुत जल्दी आपका भी, आपके बहुत ज़्यादा ऑफर आने वाले हैं बहुत चीज़ों में, क्योंकि आप एयरफोर्स नहीं तो एनडीए नहीं तो नेवी नहीं तो कोस्ट गार्ड के नहीं, बाद नहीं तो क्या लाइफ थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। एफकैट दो, सीडीएस दो, ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत से एग्ज़ाम आते हैं, डिफेंस के कोई तैयारी करने हैं तो वहाँ हम हैं हर चीज़ के लिए आपके लिए। आर्मी की तैयारी करो, जिस किसी चीज़ की तैयारी करना आप करो, मेहनत करते रहो, जज्बा बनाते रहो। और देखो, माहौल सबके लिए ही ख़राब है, आप अकेले के लिए ख़राब नहीं है, तो आप कोशिश करो कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनो किसी के लिए। आपके लिए ये चीज़ें बहुत मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि कोई हमें कोई मोटिवेट करे किसी चीज़ के लिए, आपके लिए रखती हो ना रखती हो, बस मैं एक बड़े भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते आपको बस ये चीज़ बताने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो हमें इस चैनल के माध्यम से, हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे। और जो स्कूल स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप भी पढ़ाई में ध्यान लगाते रहो, क्योंकि ये टाइम है भाई, कोरोना वाला आपको छुट्टी मिली, इसका मतलब नहीं कि आप मतलब कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं करना है, पढ़ाई में ध्यान लगाना है और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा टाइम बेकार जा चुका है कोरोना के कारण। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और लगातार पढ़ाई करते रहो, और वीडियो देखते रहो हमारे डिफेंस ब्रिज की। बहुत बहुत धन्यवाद।